नमस्ते बच्चों, छोटा सा टॉपिक है एलपीजी यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। देखिए, आपके घर में जो सिलेंडर आता है उसमें क्या होता है, उसमें होता है एलपीजी यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो इसमें बात करेंगे कि ये गैस बनता कैसे है, उसमें क्या क्या होता है, उसकी स्मेल क्यों आती है, सारी चीज़ों पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपके बुक में दी है उसको समझने की कोशिश करेंगे। हमें पता है कि जो क्रूड ऑयल है वो समुंदर से या फिर अर्थ क्रस्ट से जो है वो निकाला जाता है, ठीक है। तो ये जो क्रूड ऑयल निकाला जाता है इसको ही निकालते वक्त जो रिफाइनिंग किया जाता है उससे ही बनता है एलपीजी। तो आपको ये पता चल गया कि एलपीजी बनता कैसे। देखिए, पेट्रोलियम गैस इज ऑब्टेन ड्यूरिंग रिफाइनिंग ऑफ क्रूड पेट्रोलियम, यानी जो क्रूड पेट्रोलियम होता है यानी क्रूड ऑयल होता है उसका जब रिफाइनिंग किया जाता है तो हमें जो है वो पेट्रोलियम गैस जो है वो मिलता है। तो ये पहले क्लियर हो गया कि पेट्रोलियम गैस इज ऑब्टेन ड्यूरिंग रिफाइनिंग ऑफ क्रूड पेट्रोलियम। पेट्रोलियम गैस इज ट्रांसफर्ड इनटू लिक्विड बाय सब्जेक्टिंग हाई प्रेशर। अब ये जो गैस, पेट्रोलियम गैस जो निकाला क्रूड ऑयल का रिफाइनिंग करते वक्त, ये गैस स्टेट में होता है, तो इसको जो है वो हाई प्रेशर, इसमें हाई प्रेशर दिया जाता है और इसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। ये भी समझ में आ गया कि वो गैस लिक्विड में कैसे कन्वर्ट किया, उसमें हाई प्रेशर डाला गया। प्रेशर कितना डाला गया वो भी यहाँ पे दिया है, हाई प्रेशर है, इसका वॉल्यूम जो है वो 1/240 इतना रिड्यूस किया जाता है, यानी बहुत ज़्यादा, आप सोच भी नहीं सकते, यानी 1/240 उसका वॉल्यूम जो है वो रिड्यूस किया जाता है और उसका जो है वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। इट इज स्टोर्ड एंड थिक वॉल स्टील सिलेंडर, आपके घर में जो सिलेंडर आता है उसमें इसको स्टोर किया जाता है, स्टोर्ड इन अ थिक वॉल सिलेंडर सो दैट अंडर प्रेशर इट रिमेन लिक्विड स्टेट। तो प्रेशर की स्टेट में वो लिक्विड स्टेट में रहता है। एज इट कम्स आउट फ्रॉम द स्टोरेज सिलेंडर ट्रांसफर गैस बैक इनटू, तो जब हम रेगुलेटर लगाते हैं तो रेगुलेटर लगाने की वजह से क्या होता है, ये प्रेशर थोड़ा ढीला होता है और प्रेशर की वजह से वो लिक्विड स्टेट में जो गैस फील है वो गैस फॉर्म में जो है वो आ जाता है हमारे घर का सिलेंडर। द गैस कंटेन मेनली टू कंपोनेंट। अब मेन क्वेश्चन आता है कि इसमें होता क्या है, तो इसमें दो चीजें होती है, एक होता है प्रोपेन और एक होता है ब्यूटेन। अब प्रोपेन कितना परसेंटेज होता है, तो 30% प्रोपेन होता है और 70% जो है ब्यूटेन होता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि प्रोपेन और ब्यूटेन जो होता है और इसका परसेंटेज भी पता होना चाहिए, 30-70 जिसका परसेंटेज होता है। अब ये, इसको कोई स्मेल नहीं होती, ये जो लिक्विफाइड एलपीजी है इसको स्मेल नहीं होती, ये भी आपको पता होना चाहिए, ओडरलेस होता है। फिर भी जब गैस कभी लीक हो जाता है, तो लीक होता है या बटन स्टार्ट रह जाती है तो हमें स्मेल आती है। तो स्मेल क्यों आती है, क्योंकि उसमें बट द स्मॉल अमाउंट ऑफ केमिकल कॉल्ड इथिल मरकैप्टन, तो इसमें इथिल मरकैप्टन जो है वो ऐड किया जाता है। क्यों ऐड किया जाता है, क्योंकि अगर गैस लीक हो गया तो हमें स्मेल आनी चाहिए, अगर स्मेल ही नहीं आएगी तो हमें पता नहीं चलेगा, तो स्पोट हो सकता है, कुछ भी दिक्कत आ सकती है, और इसी वजह से इसमें जो है वो इथिल मरकैप्टन जो है वो ऐड किया जाता है, उस वो बहुत ज़्यादा स्मेल उसकी होती है। तो जैसे ही वो गैस लीक होता है तो गैस लीक होने की वजह से उसमें से मिथिल मरकैप्टन भी बाहर आता है और हमें स्मेल आती है कि गैस कहीं ना कहीं लीक हो रहा है, बटन वगैरह स्टार्ट है। विच हैज स्ट्रॉन्ग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ओडर, ओडर होता है, स्मेल होता है, दिस हेल्प टू डिटेक्ट एनी लीकेज, और इसकी वजह से एलपीजी गैस में अगर कोई लीकेज है तो वो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं और इसको अवॉइड कर सकते हैं। तो एलपीजी सिंपल है, क्रूड ऑयल, क्रूड पेट्रोलियम का रिफाइन करते वक्त एलपीजी बनाया जाता है, ये गैस फॉर्म में होता है, इसको प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर में इसका वॉल्यूम रिड्यूस किया जाता है 1/240, और इसको जो है वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, और जब भी हम इसको जो है वो सिलेंडर को रेगुलेटर लगाते हैं तो ये फिर से उसका प्रेशर कम होने की वजह से गैस फॉर्म में कन्वर्ट होता है। इसमें दो चीज़ें मेन होती है, प्रोपेन और ब्यूटेन, परसेंटेज 30-40, और इसके साथ इसमें इथिल मरकैप्टन होता है जिसको ओडर की वजह से, ये ओडरलेस है एलपीजी, और इसकी वजह से इसमें इथिल मरकैप्टन ऐड किया जाता है ताकि उसको ओडर आ सके और कोई एक्सीडेंट वगैरह, लीकेज वगैरह है तो हम उसको आइडेंटिफाई कर सके। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है एलपीजी के बारे में जो है वो समझने की कोशिश की। वीडियो अच्छा लगे एक लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल पर नए बच्चों जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।